नमस्कार, मैं हूं नेहा। आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। आपके सामने कुछ देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर आए हैं। तबलीगी जमात की बड़ी शक्ति है मुश्किलें। दिल्ली पुलिस ने गैर इरादन का हत्या केस भी जोड़ा। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 11,439 है। इनमें 9,756 एक्टिव पेशेंट है। वही दूसरी ओर अब मरने वालों की संख्या 377 हो गई है, जबकि 1306 मरीज ठीक हुए हैं। देश में जान गंवाने वाले 377 लोगों में से सबसे अधिक 178 लोग महाराष्ट्र के हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 19,98,111 है। वहीं करीब 1,26,000 लोग दुनिया भर में कोरोना वायरस के चलते दम तोड़ चुके हैं। दुनिया भर में करीब 6,13,846 केस सिर्फ अमेरिका के हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लिखा खत, कहा गरीब प्रवासियों को उनके घर पहुंचाए। कोरोना वायरस ने देश और दुनिया में कोहराम मचा रखा है। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मांग की है कि बिहार के गरीब प्रवासियों को बिहार वापस बुलाया जाए। तेजस्वी ने प्रेस रिलीज जारी कर लिखा है, विदेश में आए लोगों को घर पहुँचाए, अब गरीब उनके घर पहुँचाया जाए। 15 अप्रैल से 3 मई तक बुक 39 लाख टिकट रद्द करेगा रेलवे। लॉकडाउन बढ़ाने के चलते हुआ फैसला। इंडियन रेलवे ने 15 अप्रैल से 3 मई तक के लिए बुक किए गए 39 लाख टिकट रद्द करने का फैसला लिया है। लॉकडाउन बढ़ाने के कारण इंडियन रेलवे की ओर से ये फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस, इंदौर में बिगड़े हालात, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 544 तक पहुंचा। कोरोना वायरस के चलते इंदौर में हालात बिगड़ चुके हैं। कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़े बढ़कर 544 तक पहुंच गया है। ताजा गाइडलाइन के मुताबिक अंतिम संस्कार में कितने लोग शामिल हो सकते हैं। लॉकडाउन की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने संबोधन में कहा था कि 20 अप्रैल तक और ज्यादा सख्ती रहेगी। ऐसी खबर देखने के लिए बने रहे पोल खोल पोस्ट के साथ। समीम मोबाइल सर्विस, यूनियन बैंक रोड, सिंगरौली, मोरवा। हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग और नए मोबाइल बेचे जाते हैं। संपर्क करें 9826834786 पर। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।